पंजाब सरकार ने लखा मुलाजमान ते पेंशनरां नूं मुड़ विखाया अंगूठा। तनखा कमिशन की रिपोर्ट मनमाने ढंग दे नाल लागू करने लई नोटिफिकेशन किया जा रहा। सीएम ने मंत्री ते अधिकारियों दीआं कमेटियां बना के रिपोर्ट विच दीआं त्रुटियां दूर करन दा दित्ता सी भरोसा। वित्त विभाग ने कमेटी दीआं रिपोर्टां दी वी नहीं कीती उड़ी। एनपीएस कतरेत ते स्पेशल पे की तनखा नालों की डीलिंग। 17 जुलाई 2020 तो भर्ती होने वाले मुलाजमान ते थोपिया केंद्रीय स्केल। सोदियां तनखा ते पेंशनां दे बकाए दी किश्तां विच देण दी कही गल। पंजाब कांग्रेस अकलेश खत्म करने लई हाईकमान ने कैप्टन नूं कीता दिल्ली तलब। मुख्यमंत्री दिल्ली लई होए रवाना। मुख्यमंत्री सोनिया गांधी नाल अज करनगे मुलाकात। सूत्रां मुताबिक तकरार खत्म करने लई कैप्टन दे नाल नवे फॉर्मूले ते कीती जा सकती है चर्चा। नवजोत सिद्धू वालों की जारी बयानबाजी का मुद्दा हाईकमान अगे रख सकते हैं कैप्टन। सिद्धू को कोई भी अहुदा दिते जाण दा कैप्टन कर सकते हैं विरोध। पंजाब कैबिनेट में फेरबदल से भी चर्चा संभव। केंद्र की पंजाब के खिलाफ एक और चाल। सूत्रों मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को पंजाब तो खोए जाने की तैयारी। नवी सिक्ख्या नीति 2020 तहत केंद्र अपना रही है हथकंडे। 10 नवंबर 2020 यूजीसी की चिट्ठी लिख यूनिवर्सिटी को गवर्नेंस रिफॉर्म करने लिए कहा। पीटीसी न्यूज दे हाथ लगी कमेटी वालों सौंपी गई रिपोर्ट की एक्सकलूसिव कॉपी। 8 फरवरी 2021 11 मैंबरी कमेटी का किया गया गठन। कमेटी में ज्यादातर मैंबर बाहरलियां यूनिवर्सिटी से लाए गए। सेनेट के सिंडीकेट चो एक भी मैंबर नहीं किया शामिल। कमेटी की सिफारिश तहत पंजाब यूनिवर्सिटी नालों बहुते कॉलेज तोड़न की वकालत। यूनिवर्सिटी का दायरा खरड़ मोहाली से चंडीगढ़ तक सीमित करने की सिफारिश। मोहाली में सिक्ख्या बोर्ड के दफ्तर के बाहर अध्यापकों का धरना 21वें दिन भी जारी। मुजाहराकारी खजाना मंत्री ते सिक्ख्या मंत्री नाल करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सकत्तर सुरेश कुमार भी रहेंगे मौजूद। अध्यापकों की दो टूक सरकार नाल आखिरी मीटिंग होगी। पक्की नौकरी की मांग लई संघर्ष करने कच्चे अध्यापक। कई अध्यापक हाले भी सिक्ख्या बोर्ड की बिल्डिंग से डटे। नाभा विखे सिविल अस्पताल में द क्लास 4 इंपलॉयज यूनियन पंजाब वालों अपनी मंगों लेके किया गया प्रदर्शन। पंजाब सरकार खिलाफ की गई नारेबाजी। इस मौके आगुआ का कहना है कि श्रोमणी अकाली दल वालों शुरू करवाए विकास कार्यों को पूरा करवाने की थान पंजाब सरकार वालों नहीं किए गए पूरे। मुलाजमान का कहना जेकर मंगा ना पूरी हुई तो संघर्ष होर करेंगे तेज। 2021-22 के सैशन लिए सीबीएसई का नवा फॉर्मूला। साल दो बार होने 10वीं और 12वीं दीआं परीक्षावां। पंजाब फीसद सिलेबस नवंबर दिसंबर होंगे इम्तिहान। बाकी पंजाब फीसद सिलेबस मार्च अप्रैल च ले जाएंगे इम्तिहान। सीबीएसई वालों स्कूलों नू नोटिफिकेशन किया गया जारी। पहली टर्म की प्रीख्या लई 90 मिनट का समा किया गया है। दूजी टर्म की प्रीख्या लई 2 घंटे का समा किया गया तय। प्रीख्यावां का सिलेबस सीबीएसई की वैबसाइट से किया गया अपलोड। मोगा में अकाली दल वालों रेत माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद करने ते परचे दर्ज। धरने शामिल कई वर्करां दे बायनेम परचा दर्ज। पुलिस ने 150 होर लोगों से भी मामला किया दर्ज। खन्ना में लुटेरे बेखौफ करने लुटा। लुटोहां दुकाना से बैठी औरत ते कन्ना चो दिन दिहाड़े लाइया वालिया। सीसीटीवी दे विच कैद हुई लुट की वारदात तो मोटरसाइकिल सवार नौजवान ने वारदात को दिता अंजाम। नाभा में कांग्रेस ने लग्या वड्डा झटका। महिला कांग्रेस नाभा की प्रधान रीना बांसल अकाली दल में हुई शामिल। सुखबीर सिंह बादल ने सरोपा पेंट कर पार्टी च करवाई शमूलियत। नाभा व्यापार मंडल के प्रधान सोमनाथ ढल ने भी कांग्रेस छड़ अकाली दल का फड़िया पल्ला। एसआईटी सामने पेश होने मगरों रणजीत सिंह टडरियावाले का बयान। कहा जे मुड़ तो पुछगिछ भी बुलाया तां भी होवांगा हाजिर। अमृतसर हुण तक 6 लाख लोगों लग चुकी है वैक्सीन। 80 लाख के करीब हुण तक हो चुके ने कोरोना टेस्ट। ओम प्रकाश सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी।
पिता नूं अपनी धी दी हिफाजत करनी पई महंगी। पीड़ित का कहना पुलिस शिकायत तो नाराज मुलजम ने की कुटमार। होशियारपुर के शाम 84 तो सामने आया मामला। कुड़ी के पिता नूं खंभे नाल बन के बुरी तरह कुटिया। कुटमार की वीडियो हुई वायरल। मुलजम ने कुड़ी के पिता से ही लगाए कुटमार के इल्जाम। ऑस्ट्रेलिया फसे अर्शदीप सिंह की हुई वतन वापसी। विशेष जहाज राही लिया गया भारत। भारत और ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग सदका वापसी हुई संभव। दोहां मुल्कां दीआं सरकारां नूं इंडियन वर्ल्ड फोरम ने की सी अपील। पुत दी खराब सेहत दा हवाला देके मां ने लगाई सी गुहार। कोरोना काल करके ऑस्ट्रेलिया विच फस गया सी अर्शदीप। साल 2018 विच पढ़ाई करन गया सी ऑस्ट्रेलिया। अर्शदीप दे दोवें गुर्दे हो चुके ने फेल। नवांशहर के पिंड मीरपुर च फैली दहशत। एनआरआई करो मिलिया हैंड ग्रेनेड। जलंधर तो बुलाई बम रोकण वाली विशेष टीम वालों सुनसान थां ते कीता गया नकारा। बठिंडा के फ्रीजम होटल में सिविल लाइन पुलिस वालों नजायज तौर से चल रहे हुक्का बार में की गई रेड। पुलिस ने मौके पर 5 लोगों को लिया हिरासत। होटल के मालिक खिलाफ पुलिस ने मामला किया दर्ज। मोगा प्रेम संबंध चलद प्रेमिका ने प्रेमी ना मिलकर अपने पति का किया कतल। गला कट के नहर च सुटिया। पुलिस नूं टुडीके दे सोए चो मिली लाश। मृतक की पत्नी ते उसके प्रेमी नूं पुलिस ने किया गिरफ्तार। जैतों में प्रदर्शन दौरान हुई किसान की मौत का मामला। बठिंडा किसानों का धरना रात पर रहा जारी। बठिंडा तलवंडी साबो सड़क मार्ग से लगाया जाम। सरकार वालों हुण तक परिवारिक मैंबरां नूं नौकरी ना देण तों ने नाराज। मंगा मने जाण तक संघर्ष रहेगा जारी। संयुक्त किसान मोर्चे की लोगों को अपील। जलंधर में संयुक्त किसान मोर्चे से पेट्रोल एसोसिएशन ने लोगों को मंगया सहयोग। महंगाई खिलाफ 8 जुलाई को सड़कों से उतरे लोग। तेल दी वधियां कीमतों खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे वालों किया जाना है मुजहरा। लोग स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे से वाहन खड़े कर करन रोस जाहिर। 8 जुलाई को महिलाओं को भी घरों के बाहर सिलेंडर रख के प्रदर्शन करने की की अपील। 10 तो 12 बजे तक किया जाएगा मुजहरा। 2 से 3 मिनट तक गड्डियां दे बजाए जाएंगे हॉर्न। बठिंडा किसान अपनी हक की मंगा कर रहे हैं प्रदर्शन। किसानों ने डीसी दफ्तर के बाहर मेन रोड से चक्का किया जाम। किसानों का कहना जब तक मंगा नहीं पूरी होंगे धरना रहेगा जारी। माचीवाड़ा साहब के पिंड माणेवाल में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप हुए अगन पेंट। 9 सुखमनी साहब 3 नितनेम बाणिया वाले कुटका साहब भी हुए अगन पेंट। शॉर्ट सर्किट करके वापरिया हादसा। मुंबई में 293 किलो हैरोइन बरामदगी का मामला। डीआरआई ने मुलजम अदालत में पेश कर 12 जुलाई तक रिमांड किया हासिल। तरन तारण के चौला साहब का रहने वाला है मुख्य मुलजम प्रभजीत सिंह। प्रभजीत की निशानदेही से मध्य प्रदेश 2 होर लोगों ने किया कब। अफगानिस्तान तो मंगवाई गई थी नशे की खेप। अफगानिस्तान तो होंदी हुई ईरान के रस्ते भारत पहुंची थी खेप। कंटेनर की जांच करने से नशे दियां 6 बोरियां कीतियां गईं बरामद। डीआरआई ने भी दिदनी प्रभजीत के घर छापेमारी करके काफी समान किया जब्त। डीआरआई मुताबिक 2000 करोड़ रुपए की है हेरोइन। मलेरकोटला तो सबका एमएलए मैडम फरजाना आलम के पति पद्मश्री इजहार आलम का होया देहांत। देश में लगातार घट रहे कोरोना के केस। बीते 111 दिनों में सब तो घट केस आए सामने। बीते 24 घंटे 34,703 नवे मामले किए गए दर्ज। दिल्ली के हुण एक्साइज पॉलिसी के होटल बार रेस्टोरेंट देर रात 3 बजे तक रहेंगे खुले।